हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 54 हमें कह रहा है, ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड एज फॉलो। यहाँ पे आपको बता रखा है कि एबीसी तीन पार्टनर हैं एक फर्म में, पार्टनरशिप डीड हुई है इन पार्टनर के बीच में, जिसमें क्या क्या चीजें इन्होंने क्या क्या चीजें तय की हैं। पहली चीज इन्होंने तय की है कि फर्स्ट ₹60,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, कि जो प्रॉफिट का पहला ₹60,000 होगा ना, जो फर्स्ट ₹60,000 हो गए, वो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा ना, वो क्या करेंगे, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद बता रखा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 वर ₹1,50,000 विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। टोटल प्रॉफिट जो है 1,50,000 का है, जिसको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल वर ₹4 लाख एंड ₹3 लाख एंड ₹2 लाख। तो यहाँ पे कैपिटल बता रखी है 1 अप्रैल 2021 की ए बी सी की, ए की 4 लाख है, बी की 3 लाख है और सी की 2 लाख रुपीज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 8% पर एनम, विच वाज ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया जाना चाहिए था, जो कि दिया नहीं गया और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। यहाँ पे आपको एक जनरल एंट्री, मतलब कि एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो चीजें दी जानी चाहिए थी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था हमें, तो पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे अपने सोल्यूशन की। तो इस तरीके का टेबल बनाइएगा आप। तो सबसे पहले मेंशन कीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए बी सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था, जो कि दिया नहीं गया था। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था, ए को दिया जाना चाहिए था 32,000। क्यों 32,000 रुपीज दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ए की कैपिटल 4 लाख रुपीज थी, मल्टीप्लाई करेंगे 8/100 तो 32,000 आएगा। बी को कितना कैपिटल दिया जाना चाहिए था, इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए था कैपिटल पे 24,000 का। बी की कैपिटल 3 लाख रुपीज थी, इसका आप 8% कैलकुलेट करेंगे तो 24,000 है, और सी की कैपिटल 2 लाख रुपीज थी, तो इसका 8% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 16,000 आएगा। टोटल ये आपका हो जाता है 72,000। इसके बाद अगली बात क्या क्या रखी है कि अब 72,000 रुपीज देने के बाद, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, अब ये देने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका पहला 60,000 रुपए, फर्स्ट 60,000 रुपीज को ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1। अब देखिए, प्रॉफिट था 1,50,000 का, इसमें से 72,000 रुपीज माइनस करेंगे आप, तो रिमेनिंग बचता है 78,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। अब जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60,000 रुपीज को पहले ये 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, तो ए के कॉलम में आएगा 30,000, बी के कॉलम में आएगा 20,000 और सी के कॉलम में आएगा 10,000, ये टोटल 60,000 हो जाएगा। 30,000 कैसे आया, 60,000 मल्टीप्लाई 3/6 करेंगे 30,000 आएगा। 20,000 कैसे आया, 60,000 मल्टीप्लाई 2/6 कीजिएगा 20,000 आएगा, और 60,000 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे तो ये आपका 10,000 आएगा। तो यहाँ तक आपने क्या करा, एज पर दी क्वेश्चन की फर्स्ट 60,000 रुपीज को आपने क्या करा कि 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट माइनस करने के बाद। अब याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो प्रॉफिट होता है ना, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो ये हमारे सबके क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है ये, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद रिमेनिंग कितना बच गया, तो रिमेनिंग हमारा 18,000 बच गया। अब आप कहेंगे कि रिमेनिंग 18,000 कैसे बच गया, तो समझिए, 1,50,000 का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से 72,000 का क्या करा, 72,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया फर्म को, फर्म ने पार्टनर्स को, तो बचा कितना 78,000। 78,000 में से 60,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब कितना बचा, अब हमारे पास रिमेनिंग 18,000 बचा, जो कि एज पर द क्वेश्चन इसको इक्वली डिवाइड करना है, तो ए के कॉलम में भी 6,000 आएगा, बी के कॉलम में भी 6,000 आएगा और सी के कॉलम में भी 6,000 आएगा, टोटल ये हो जाएगा 18,000। अब टोटल कीजिए, अब जैसे कि मैंने बताया था, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम इसे क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे ए के कॉलम में टोटल 68,000 होगा, बी के कॉलम में टोटल 50,000 होगा, सी के कॉलम में टोटल 32,000 होगा, टोटल आपका आ जाएगा 1,50,000। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एक ऐसा अब दोबारा हमें कैलकुलेशन करनी है जो एक्चुअल में कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था कि सिंपल बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, जिसको अब हमें लेस करना होगा, तभी हमारी एडजस्टिंग एंट्री बन पाएगी।
तो यहाँ माइनस कीजिएगा पहले आप 60,000 को, आपको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में, और इस बार हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसे लेस करना है। क्या करना है? लेस करना है। तो यहाँ पे आपको 3:2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 60,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के कॉलम में 30,000 आएगा, बी के कॉलम में 20,000 आएगा, सी के कॉलम में 10,000 आएगा, टोटल ये 60,000 हो जाएगा। तो ये हमने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जो कि अब हम लेस करेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट था, अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था जब हमने 60,000 रुपीज माइनस कर दिए, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं और 60,000 को पहले रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब रिमेनिंग बचेगा 90,000, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो 1,50,000 था ना, तो 1,50,000 में से 60,000 माइनस करेंगे, तो इस 90,000 को हमने क्या करा था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर में। तो 30,000 ए में आएगा, 30,000 बी में आएगा और 30,000 सी में आएगा, टोटल हो जाएगा 90,000। इसको आप डेबिट बैलेंस मानिएगा, क्योंकि पहला जब क्रेडिट माना है तो इसको डेबिट मानेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको माइनस करना है, तो पहले टोटल कर लीजिए इसको। तो टोटल करके आपका जो आएगा 60,000 आएगा ए के कॉलम में, बी के कॉलम में 50,000 आएगा और सी के कॉलम में 40,000 आएगा, टोटल आपका आ जाएगा 1,50,000। अब आप देखिए पहला पार्ट एज पर द क्वेश्चन होना चाहिए था, जिसमें हम क्या करते हैं कि पहले पार्ट में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए, तो हमने उस तरीके से किया। दूसरे पार्ट में हमने वो चीज की है जो हमने ऑलरेडी मिस कर दी थी, मतलब कि हमने क्या करा था, सीधा ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जिसको हमें लेस करना होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस भी आपके पास है, डेबिट बैलेंस भी आपके पास है, अब आपको माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी सबसे पहले डेबिट क्रेडिट रेट ज्यादा थी, कितनी ज्यादा थी, 8,000 रुपीज है, तो क्रेडिट मेंशन कीजिएगा कीजिएगा। बी के कॉलम में कुछ मेंशन नहीं होगा क्योंकि 50,000 है क्रेडिट और डेबिट। सी के कॉलम में हमारी डेबिट साइड ज्यादा है 8,000 रुपए से, तो 8,000 को डेबिट मेंशन कीजिएगा। अब जनरल एंट्री कर देनी है, तो जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, जनरल एंट्री होगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट होगी, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन 8,000 डेबिट साइड आएगा, 8,000 क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।